को भी कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो ये जो आपका स्टेट बैंक ने भी कई मेजर्स लिए हैं, एक्सचेंज रेट ने भी थोड़ा मूव किया, उससे भी फर्क पड़ता है। और इस तरीके से ये जो है आपके सामने एक फिगर आ गया, और ये मेरे ख्याल में कई चीज़ों पे इसका है, एक 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 चीज़ की वजह से नहीं है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं, इम्पोर्ट्स जो हैं आपकी देखें कम हो गई हैं, कितने परसेंट जी आपकी जनाब 6.3 बिलियन डॉलर्स की इम्पोर्ट्स थी जनवरी में, वो 5.2 बिलियन पे आ गई, तो रिडक्शन हुआ है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, 521 मिलियन डॉलर्स थी, अब 547 मिलियन डॉलर्स हो गई। रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, लेकिन थोड़ी बढ़ी हैं, 2.144 थी, अभी 2190 हैं, तो थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन ये पिछले साल भी ये डिप आता है इन दो महीनों में, अब जब रमज़ान होगा, आपकी ईद आएगी, तो ये बढ़ जाएंगी। और ये पहली दफ़ा आप देखें कि टोटल जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो 20.6 बिलियन डॉलर्स हैं, और रेमिटेंसेस 20.1 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब है पहली दफ़ा हमारी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसने रेमिटेंस से ज़्यादा हो गई है, और ये लोग कहते थे कि रेमिटेंसेस ज़्यादा होती हैं और वो कम है। अब ये जो करंट अकाउंट है, ये इसके साथ साथ मैं बताता जाऊँ कि ये जब हो रहा है तो लोग ये भी कह सकते हैं कि जनाब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो गई है, आपकी यू नो हेडविंड्स हैं। तो मैं इसके साथ जो और खबर आई है, और वो काफ़ी वेलकम खबर है, और वो वेलकम खबर ये है कि आपकी LSM जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो जनवरी के महीने में ईयर ऑन ईयर 8.2% ग्रोथ किया उसने, और ये तकरीबन सितंबर में 1.2 पे थी, ये बिल्कुल जुलाई का नंबर बहुत ज़्यादा था और अगस्त सितंबर में नीचे ही गई है, और अब वापस आना जो शुरू हुई है, तो आप देखें कि जनवरी में 8.2। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी वो है कि मंथ ऑन मंथ, विच मीन जनवरी वर्सेस दिसंबर 4.2%, जो दिसंबर में थी उससे 4.2% इंक्रीमेंटल आई है। सो इसका मतलब मोमेंटम वापस आना शुरू हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है इकॉनमी में जोर है। ये आपकी हेडविंड्स हमारी ज़रूर आ रही हैं, जिसके इंटरनेशनल प्राइसेस की हम सबको पता है उस चीज़ का वो, और उसकी वजह से हमने डिस्काउंट रेट को भी बढ़ा दिया है, हमारा एक्सचेंज रेट भी थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ है, जो भी है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग है। वो जो हमने कहा कि हम 5% ग्रो करेंगे, तो मेरे ख्याल में 5 करेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर लें, लेकिन मैं तो 5 तक ही रहूँगा टिल आई गेट एविडेंस के ओवरऑल जो है ग्रोथ जो है क्या है। लेकिन दूसरी चीज़ें ये है कि एग्रीकल्चर की आप कोई भी क्रॉप ले लें, वो कोई 7% ग्रो कर रही है, कोई 12% ग्रो कर रही है, अब हमारा वीट का भी एस्टिमेट यही है कि 5-6% तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। सो अगर एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो कर रही है, आपके एक्सपोर्ट्स भी ग्रो कर रही हैं, आपकी जो सर्विस सेक्टर है, क्योंकि आप देखेंगे बैंकों के, टेलीकॉम वगैरह के प्रॉफिट्स बम्पर हैं, पिछले साल से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ तो हो रही है, इकॉनमी में ग्रोथ हो रही है। अब ये ग्रोथ हो रही है और उसमें करंट अकाउंट में एक आया, डेफिसिट्स आने शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा ये वैसे ही हम जा रहे हैं जिस तरह 2018 में थे। अब ये जो लेटेस्ट एविडेंस है कि करंट अकाउंट की डेफिसिट कम हुआ है, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हुए हैं, ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं 16.6। तो कोई मार धाड़ भी नहीं हुई, पहले ये होता था कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स को रन डाउन हो जाता था,
तो वो भी नहीं हुई, बिकॉज ये अगर 545 मिलियन डॉलर्स का कैड है तो नीचे तो हमें फाइनेंसिंग भी मिलती है ना, तो उससे करके इसका मतलब हमारे तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए वहां। सो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बेहतर है, इंडिया हमारे जो साउथ एशिया में तो सबसे बेहतर है, एशिया में टॉप 14-15 मुल्कों में से। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपकी एलएसएम ग्रोथ इज वेरी रोबस्ट। तो एक चीज के ऊपर बहुत शोर शराबा यहां रहता है कि महंगाई होगी महंगाई होगी महंगाई होगी। अब महंगाई का भी ये देखें कि लास्ट जो एसपीआई आई है उसमें वीक ऑन वीक 1.37% जो है ड्रॉप हुआ माइनस। इसका मतलब है जो इंडेक्स इस वक्त जो है उसको एनालाइज किया जाए तो 15.12 पे है एसपीआई वाली, और ये 36 मंथ्स का लो है, सबसे कम है 36 महीनों में। ये पिछले महीने जो था इसका तो ये तकरीबन 20.5% था, 21% के करीब, तो 6% ड्रॉप हुआ। और उसके बीच में क्या चीज़ें ड्रॉप हुई हैं, चिली पाउडर हो गया है, ये दाल मूंग वगैरह ये जो है ये ड्रॉप हुई हैं, अंडे शुगर और ये आलू ड्रॉप हुए 9-9%। लेकिन एक और चीज़ ड्रॉप हुई है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 5 रुपये का रिलीफ पैकेज दिया गया है इसका मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ मैंने कहा कि मुझे एक तो बिल बताओ, 1840 रुपये का जिसका बिल था उसको 800 रुपये की 805 रुपये का रिलीफ मिला है, 805 रुपये उसका बिल जो है 1,035 रह गया। सिग्निफिकेंट, वो 5 रुपये तो वैसे 5 रुपये नजर आता है ना, जब बिल में ट्रांसलेट होता है तो ये बिल में ट्रांसलेट होता है। ये इसका अब ज्यादा इंपैक्ट आप देखेंगे अगले ये जो अगले हफ्तों में और इस महीने के सीपीआई में भी आएगा। तो मैं सिर्फ ये इन चीजों के ऊपर चाहता था कि मैं आऊं आपसे बात करूं, जाहिर है आप में मेरे से कोई और भी सवाल करेंगे, तो मैं चाहता था कि मैं सिर्फ ज्यादा मैं गुफ्तगू ना करूं, आपके 4-5 सवाल 6 सवाल ले लूं, क्योंकि फिर मुझे बनीगाला भी जाना है। जी ये मेहताब साहब, पहला सवाल ये है कि आयरन के साथ जो आपने लास्ट बात की थी वो ये थी कि जुमे तक जो है उनकी तरफ से जो जवाब है वो आ जाएंगे, लेकिन जुमा गुजर गया आज इतवार है, लेटेस्ट आईएमएफ के बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल, मैंने जो कहा उसको आपको जो बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने हमें कहा था कि जुमे तक ही हमें बता देंगे जवाब दे देंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा हमें एक आधा दिन और लगेगा, और मंडे जो कल है उससे पहले पहले वो हमें दे देंगे। जी इश्यूज क्या रह गए? कोई इश्यूज नहीं रह गए, मैं आपको इश्यूज भी बता देता हूँ, लेकिन बताने मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। इश्यूज उनके ये हैं कि आप बताएं कि ये जो आपने पेट्रोल के जो लेवी जो उसको फ्रीज किया और इलेक्ट्रिसिटी का किया है, ये पैसे हमने उनको बता दिया कि पैसे कहाँ से आएंगे? उन्हें कहा जनाब अच्छा अगर पैसे इधर से आएंगे जो प्रोविंसेस कुछ देंगे और कुछ हमारे जो है हम एस ओ ईज वगैरह हमें उसकी वो चाहिए, वो जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ वो चाहिए। ये तो वो मान गए हैं कि हमने बैलेंस करके दे दिए, अब वो चाह रहे हैं कि इसको कि ये तो नहीं है हवाई फायर तो नहीं है ये, बस वो ये वो हमें भेज देंगे, हमने उनके साथ वो करके हमारे तो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, यू नो हमने तो अपना होमवर्क किया हुआ, वो करके दे देंगे, दैट्स इट। उसके बाद वो फिर MEFP में चले जाएंगे और फिर जब पहले ही अवेलेबल जो डेट होगी बोर्ड की उसमें वो ले जाएंगे इसको। तो ये तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उन्होंने हमें देना है और फिर मेरी फाइनल उनसे जो मीटिंग होगी वो ट्यूसडे को होगी। सर कल साबिक फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिस्टर स्माइल जी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के जो यूरो बॉन्ड्स हैं जो 2031 में मैच्योर होने हैं वो तकरीबन $25 जो है वो नीचे जा रहे हैं, अगर इस वक्त काफ़ी इस पोजिशन में नहीं है कि पाकिस्तान यूरो बॉन्ड जारी करें तो आप उसके इल्जाम के ऊपर क्या? देखिए जी पूरे दुनिया के इस वक्त जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उनके जो पेपर है, वेदर इट इज़ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, उन उसके बीच में ये जो इन ये यूक्रेन की वजह से ये एक मतलब थोड़ा प्रेशर आया है और यील्ड जो हैं वो ऊपर गई हैं, बिल्कुल ऊपर गई हैं। मतलब वो तो मुझे मेरा कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप जाके देख लें, अपना ब्लूमबर्ग देख लें। लेकिन ये जो होता है ये अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। अगर आप वैसे देखें तो हमारी जो जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं। हमने कि क्या अगले महीने हम लेके चले जाएंगे बॉन्ड? नहीं लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएं जब हमें 1-1.5% ऊपर देना पड़े? तो हम तो देखेंगे जिस वक्त भी ये मार्केट सेटल होंगी और उस वक्त हम लेके जाएंगे। अब मिफ्ता साहब ने कहने शुरू कर दिया है कि ये पाकिस्तान पैसे नहीं ले सकता। मेरे पास अभी भी तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर के लोगों ने वो दिया होगा, हम करने चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है रेट थोड़े ज़्यादा हैं, मैं क्यों करूँगा यार। मिफ्ता साहब को वैसे बताएं यार भाई अपने वक्तों को देख लो ना यार, तुम्हारे वक्त में तो यार हमारे तो स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो 17 बिलियन 16.5 पे खड़े हुए हैं यार, और आपके वक्त में तो जाके एक महीने की इम्पोर्ट नहीं थी, उस वक्त आपने क्या किया था? तो यू सी लोग समझते हैं कि लोगों की याददाश्तें जो हैं वो बड़ी थोड़ी हैं। तो उनको कहें यार अपना काम करो, और अभी वो ज़रा ख्वाब देख रहे हैं, उनको ख्वाब देखते रहो, अच्छा है, तुम्हारी जितनी रात लंबी होगी ख्वाब भी लंबा होगा। हाँ जी सर, बिल में आ गए हैं यार सर, नोटिफिकेशन के बगैर अगर बिल में आ गया तो फिर तो ये तो फिर इरेगुलरिटी एक तो ये। दूसरा आपसे ये बताए कि लास्ट जो आपकी मीटिंग थी पीसीसी की, उसमें आपने जो रेपोटिक की सेटलमेंट थी वो, तो वो सारी दुनिया को पता चल रहा था, अपने मुल्क के लोगों को भी बता दो। आपके मुल्क लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा, रात चंद घंटों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये मेरा जो है वो नहीं है, प्रोगेटिव नहीं है, इसको लिख देगा ना, ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, और मैं अभी बनिगाले ही जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो जो होगा वो आज ही की डेट में आपको पता चल जाएगा। देखें जी स्टेट बैंक के मुझे तो नहीं, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा जो डिटेरेशन हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल से जब कोविड का इफेक्ट था, जब आपकी इम्पोर्ट्स काफ़ी कम थी, तो उस वक्त से अभी जो उस वक्त एक किस्म से सरप्लस में आपका करंट अकाउंट था, उसके लिहाज से अभी डेफिसिट है, तो डिटेरेशन है उस तरीके से, बट वो तो नेचुरल है। जब आप ग्रो करेंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी अभी जो हमारी LSM बढ़ रही है 8.2% पे, उसके बीच में गाड़ियों की वो बढ़ रही है, जो है इम्पोर्ट्स बढ़ रही है, बाकी चीज़ों की इम्पोर्ट बढ़ रही है, तो वो तो बढ़ेंगी। लेकिन क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? 12 बिलियन डॉलर 8 महीने में हुआ है, अगर ये इस तरीके 5 और अंडर 4 एक किस्म से बिलियन डॉलर रहे, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 15-16 बिलियन डॉलर्स, दैट बाई इट सेल्फ इज नो मोर देन अराउंड 4% और सो। वो तो हमने पहले भी कहा था अब 4% के करीब होगा ऑफ GDP। तो उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, स्टेट बैंक कोई गलत बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपका पिछले साल से इस दफ़ा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है, पिछली दफ़ा सरप्लस था, तो वो तो हमें सबको मालूम है जी। आपको तजर्बा भी हो गया, काम भी कर रहे हैं इस वक्त, तो अगर सर इन केस वज़ीर आज़म के खिलाफ कहें कि अगर इत्तेमाद कामयाब होती है, नई हुकूमत आती है, तो वो आपके तजर्बे से इस्तेफादा करना चाहते हैं, काम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे बतौर वज़ीर आज़म? पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं कि पहली बात जो है कि ऑलरेडी ये अनसर्टिनिटी जो है काफ़ी दिनों से है और हमारे नंबर्स में नज़र नहीं आ रही,
तो लेकिन अगर अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करेगी तो हम उसके बिल्कुल उसके जो होते प्लानिंग होती है उसकी यू नो फॉल बैक होता है, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी नहीं, बिकॉज ये जो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो ख़त्म हो जाना चाहिए यू नो अगले चंद यू नो दिनों में। और दूसरा ये है कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ और उधर इलेक्टेड सेनेटर हूँ, पीटीआई की हुकूमत अगर रहेगी तो मैं रहूँगा, और मुझे किसी ने कहा कि आप रह जाएं दूसरी हुकूमत में, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं असूल पसंद आदमी हूँ और मैं जो वो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड मैं लोटा नहीं हूँ। किसके देखिए जी, सारी जो सूबे हैं वो उस सपोर्ट प्राइस पे हैं, और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो टारगेट है उसको हम एक्सीड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन करेंगे सही। हमारा कोई 5-6% जो है पिछले साल से ज़्यादा का वो है। क्या इंपोर्ट करेंगे? पिछली दफ़ा हमने जितनी इंपोर्ट की थी शायद हमें ना करनी पड़े, लेकिन अगर करनी भी पड़ेगी तो बहुत ही थोड़ी करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए। अगर मैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रखता हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो तकरीबन 1.8-1.9 मिलियन टन्स थे। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, लेकिन फिर ये देखता हूँ कि ये इस वक्त जो है वीट की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो क्या स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमें ज़्यादा करने चाहिए या वहीं रख लेने चाहिए, 2 मिलियन टन पर रखने चाहिए। तो ये चीज़ डिटर्मन करेगी कि हमें कोई 5 लाख 7 लाख टन